फाइबर के ऊपर गिग रैंकिंग के अंदर सबसे पहले जो आपके पास अवलीन चीज़ होनी चाहिए वो ये कि आपके पास अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए एक कंप्लीट वीडियो डिटेल्ड वीडियो एस के ऊपर मैंने बना दी थी कि गिग को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है तो उस पर आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें ये भी बताएं कि कीवर्ड्स ढूंढते कैसे हैं तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने जा रही है मैं कम्प्लीट आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोग एक अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो कि आपको गिग रैंकिंग के अंदर मदद कर सकते हैं असलम तो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़ तो फाइनली आप लोगों की डिमांड के मुताबिक मैं अब आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आया हूँ कि जिस तरह मैं अपने ख़ुद के लिए अपनी गिफ्ट के लिए अच्छे की वर्ड्स ढूंढता हूँ और मुझे अच्छी रैंकिंग्स मिलती है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तरतीब में डिटेल के साथ आप लोगों को सब समझाऊंगा कि कैसे आप की रिसर्च करते हैं उसके अलावा सबसे जो बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो कीवर्ड्स को प्रॉपर एक नंबरिंग uh, नहीं देते उनको प्रॉपरसली ऑप्टिमाइज नहीं करते कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने का मतलब यह है कि आप कीवर्ड्स को रैंकिंग दें रैंकिंग से मुराद ये है कि आप कीवर्ड को बताएं कि मेरा ये फाइव स्टार कीवर्ड है मेरा ये थ्री स्टार कीवर्ड है मींस ये कि आपने एक केस सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारी गिग भी रैंक हो रही है हमें ऑर्डर नहीं आ रहा है उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि उनने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया होता खाली वो ये देख लेते हैं कि कीवर्ड लो कंपटीशन है और अपने गिग में यूज़ करने लग जाते हैं गिग रैंकिंग रैंकिंग में भी आ जाती है लेकिन उनको ऑर्डर नहीं आते तो इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च समझाऊंगा बल्कि इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन भी समझाऊंगा कि आप लोगों ने कीवर्ड की छांटी कैसे करनी है कि जो फजूल फजूल कीवर्ड्स हैं चाहे लो कम्पिटन है उनको आपने अलग कैसे करना है ऐसे कीवर्ड्स है कि जो बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स की रैंकिंग कैसे करते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं ये भी मैं एंड पे आपको समझाऊंगा तो एंडिंग आप लोगों ने इस वीडियो की हरकिज मिस नहीं करनी क्योंकि जब आप लोगों को कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज ही नहीं करने आएंगे तो जितनी अच्छी आपको रैंकिंग मिल जाए भाई साहब आपको ऑर्डर नहीं आने वाले तो कोशिश करनी है आपने वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है तो चले मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च समझाता हूँ ओके गाइस वेलकम बैक टू माय स्क्रीन तो सबसे पहला मेथड मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कीवर्ड्स ढूंढने का तो उसके लिए आपने गूगल क्रोम पे चले जाना है गूगल क्रोम पे आपने जाके फाइवर ओपन कर लेना है आप जैसी फाइवर ओपन करेंगे जो भी आपकी सर्विसेज़ हैं आपने उसके रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना है मिसाल के तौर पे मेरी सर्विसेज हैं कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड तो मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सर्च कर दी है जो भी आपको सर्च रिजल्ट्स नज़र आएंगे आपने उनको देखना है अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है अब कंटेंट राइटिंग के अंदर भी आपको जौन जौन सी कंटेंट राइटिंग या जिस टाइप की अच्छी आती है आप उसको एग्जैक्ट सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे और जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही जनरल सर्च करें मिसाल के तौर पर आपको क्रिप्टो uh, के रिलेटेड कंटेंट रैटिंग आती है तो अगर हम इसको लिखते हैं क्रिप्टो कंटेंट राइटिंग तो जो अब रिजल्ट्स आएंगे आपने उनको देखना है अब जो भी आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं आपने बेसिकली करना क्या है कि जो टॉप पे बंदे बैठे हुए हैं ना तीन चार उनकी गिग्स खोल लेनी है ठीक है जिस तरह ये मैंने खोल लिया है इनकी गिग्स खोलने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाना है करते जाना है करते जाना है और आपने इनके टैग्स निकाल लेना है अब जिस तरह एक बंदे ने लिखा हुआ है एन एफ टी राइटर एक बंदे ने लिखा हुआ है इसी बंदे के टैग एक और भी है ब्लाक चेन राइटर अब मैं इसी से आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली जो टैग्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जो रैंकिंग के अंदर होते हैं उन्होंने लो कंपटीशन कीवर्ड डाले होते हैं अगर आपको जल्दी रैंकिंग चाहिए तो आप उनके टैग्स देख सकते हैं यहाँ से आपको पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिल सकते हैं अब मिसाल के तौर पर आप लोगों को मैंने बंदा दिखाया है जो इतने हाई कंपटीशन क्या कंपटीशन है इसका बारह हजार रिजल्ट है ठीक है बारह हजार कीवर्ड्स के कंपटीशन के अंदर वो रैंक कर रहा है तो अब देखते हैं वो कीवर्ड्स कौन से यूज कर रहा है जिनको वो टारगेट कर रहा है तो अब इसमें जो इसके टैग्स हैं वो हमें बताते हैं कि वो ये दो की को टारगेट कर रहा है सबसे पहला है एन राइटर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ दूसरा है ब्लॉक राइटर अब इसको भी ओपन कर लेता हूँ एन राइटर का आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिक्स सेवनटी है सिर्फ और सिर्फ 679 सेवेंटी है और आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सारों को कितने अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं ठीक है दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा कीवर्ड इसका था ब्लॉकचेन राइटर सर्विसेज अब ब्लॉकचेन राइटर सर्विसेज का भी 601 सिर्फ कंपटीशन है और आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं लोगों को कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो इस तरह सबसे पहला और आसान मेथड तो यही होता है कि आपका जो भी मेजर सर्विस है आप उसका मेजर कीवर्ड ही सिर्फ सर्च कर लें और उसके बाद लोगों की गिग्स ओपन करके उनके टैक्स देखते जाएं पहले आप जो चार पांच गिग्स ही ओपन करके उनके टैक्स देख लें हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको अपने गिग के लिए कीवर्ड मिल ही जाएंगे हंड्रेड एंड टेन परसेंट इनशाला तो आपने सबसे पहले ये मेथड अप्लाई करके देख लेना ये मेथड बड़ा ही अच्छा वर्क करता है ठीक है तो इसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ सेकेंड मैथड क्या है कीवर्ड्स फाइंड करने का सेकेंड मेथड के लिए आपको गूगल क्रोम के ही वेब स्टोर के अंदर जाना है ठीक है एक्सटेंशन आपने एक ऐड करनी है आपने सर्च में जा लिखना है फाइवर व्यू फाइवर व्यू लिखेंगे तो ये वाली जो आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है फाइवर क्विक व्यू इस पर क्लिक करके ऐड टू क्रोम कर देना ठीक है आपने ये एक्सटेंशन सबसे पहले ऐड कर लेनी है तो अब ये हमारे पास एक्सटेंशन जब ऐड हो के आ जाएगी आपने इसको एक्टिव कर देना है ठीक है अब ये जिस तरह मैंने एक्टिव कर दिया है अब आपने अपना फ़ाइवर ओपन कर लेना है ठीक है मैं अगेन देखता हूँ ये जिस तरह आ रहा है अब ये हमारे पास हो गया फाइवर ओपन अब आपने फिर अगेन अपना जो भी आपकी सर्विस है जो भी आपका कीवर्ड है आपने उसको सर्च कर रहे हैं मिसाल के तौर पे मेरी सर्विस वही मैं अगेन लिखता हूँ क्रिप्टो कंटेंट राइटर अब ये क्रिप्टो कंटेंट राइटर मैंने लिखा है वही 12000 हजार कम्पिटिशन आ गए लेकिन हमें वो एक्सटेंशन लगाने की वजह से अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कोई अलग चीजें ओपन हो रही है ठीक है अब इस अलग चीज में ये कि ये हमें बेसिकली कीवर्ड्स बताता है कि जो लोग आपको पहले पूरे पेज के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इन लोगों ने किस किस टाइप के कीवर्ड यूज़ किए की हुए हैं और कितनी कितनी दफ़ा किया हुआ है ठीक है जिस बंदे ने जो कीवर्ड ज़्यादा टाइम यूज़ किया हुआ है या तो वो उसको टारगेट कर है ठीक है ज़्यादातर लोग अगर एक ही कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको वो टारगेट कर करे और दूसरा उसमें दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मे बी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेम कीवर्ड यूज़ किया की लेकिन आपने कंपटीशन एक दफ़ा निकाल के देख लेना है आपने पहले जनरली जो से इसको देखना है कि आपको इसके अंदर कोई अच्छा कीवर्ड आपके जहन में आता है कि पॉसिबली इस पर लो कंपटीशन होगा कि नहीं होगा अब मिसाल के तौर पे क्रिप्टो वाइट पेपर राइटर पड़ा हुआ है इस पर हंड्रेड एंड टेन परसेंट लो कंपटीशन है अब दूसरा मैं आपको दिखा दूँ इधर क्रिप्टो कंटेंट पड़ा हुआ है मैं इसको देखता हूँ ये शायद हाई कम्पटिशन भी हो सकता है जो भी आपको कीवर्ड मिलते हैं आपने उसको एक दफ़ा लाजमी देखना भी है कि भाई साहब ये वाकई में लो कंपटीशन है कि नहीं ये आपको बेसिकली कीवर्ड आइडियाज़ देता है ये जो भी आपको यहाँ पे सी नज़र आता है ये कीवर्ड आइडियाज़ देता है फर्दर मोर आपने इसको सर्च करके देखना है कि वाकई में वो कीवर्ड लो कंपटीशन भी है कि नहीं अब क्रिप्टो राइटर देखे मैंने आपके सामने वहाँ से निकाला कीवर्ड और टू सिक्सटी सेवन इसका कंपटीशन है और लोगों को अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं तो आप लोग इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते इवन पहली बहली की को चार ऑर्डर भी लगे हुए हैं तो अब ये इसकी जो एक्सटेंशन हमने लगाई है उसका सबसे बड़ा पर्क हो गया दूसरा पर्क ये है कि इसमें आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आप लोगों को कहा था कि हर एक टैग्स देखने हैं तो इस एक्सटेंशन के लगाने की वजह से आपको जो टैग्स हैं वो अब बंदे की प्रोफाइल के इधर ही नजर आने लग जाते हैं बजाय इसके कि आप ओपन करके स्क्रॉल डाउन करके जाओ नीचे तो आप लोग यहां से ही देख सकते हैं कि जिस तरह इस बंदे ने क्रिप्टो आर्टिकल का टैग लगाया हुआ है क्रिप्टो राइटर का टैग लगाया हुआ है ब्लॉकचेन राइटर का टैग लगाया हुआ है तो आप यहां से भी वो टैग्स ईजीली निकाल सकते हैं बजाय इसके कि आप ओपन करें और सारा कुछ एक दफ़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके टैग्स देखें तो आप इस एक, एक एक्सटेंशन को अगर लगा लेते हैं तो आप सारे के सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं कीवर्ड फाइंडिंग के तो अब ये वाले मेथड्स अगर आप लोग यूज़ कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह कीवर्ड्स तो अच्छे मिल जाएंगे लेकिन आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड्स की आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है पेयरिंग कैसे करनी है तो वो चीज़ आपने लाजमी सीखनी है क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों के कीवर्ड्स रैंक करने लग जाते हैं गिग रैंक करने लग जाती है लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आते उसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस हैं और वो रीजंस मैंने आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं जो कि आपने कोशिश करनी है एंड तक देखनी है तो आप लोगों ने गाय की वर्ड रिसर्च तो सीख ली है आप लोगों को कीवर्ड्स निकालना आ गया अगला काम है कि आप लोगों ने की की ग्रेडिंग कैसे करनी है अच्छे की को बुरे की से निकालना कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है अब आपने लो कंपटीशन कीवर्ड वर्ड निकाली है ऐसे की वर्ड निकाल ली है जिसके ऊपर कंपटीशन कम है अगला आप लोगों का स्टेप यह है कि आप लोगों ने में अपने कीवर्ड्स को लिख लेना है जितने भी आपके है, आपके है, है? आपने सबसे पहले मिसाल के तौर पर आपका एक कीवर्ड है लोगो डिजाइन आपने इस कीवर्ड को जो भी आपका लो कीवर्ड आपने निकाला था आपने उसको सर्च करना है और पहली चार से पांच गिग्स आपने निकाल के देखनी है जो टॉप पे रैंक करिए होंगे उन गिग को निकालने के बाद आपने देखना है कि इसके ऊपर लोगों को ऑर्डर कितने कितने आ रहे हैं मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छा लो कंपटीशन कीवर्ड निकाला था फिर आपने देखना है कि पहले पाँच लोग जो उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं उनको कितने कितने ऑर्डर आ रहे हैं अगर उनको तीन तीन चार चार ऑर्डर हर एक बंदे को लगे हुए इट मीन्स कि उस की के ऊपर ना सिर्फ कंपटिशन लो है बल्कि उसके ऊपर क्लाइंट्स का फ्लो भी ज़्यादा है उस वर्ड्स को मोस्टली क्लाइंट्स भी सर्च कर रहे हैं इट मीन्स कि अगर आप उसके अंदर रैंकिंग में पहले चौथे नंबर पे आ जाते हैं तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो इस तरह आप लोगों ने फिर अपने कीवर्ड्स को स्टार्स देना है ऐसे कीवर्ड्स जिनको आप लोग देखते हो कि पहली दो रोज के अंदर या पहली एक रो के अंदर जितने भी लोग हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं आपने उन कीवर्ड्स को फाइव स्टार दे देना है फिर कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी आपको मिलेंगे कि पहले तीन चार लोगों को अच्छे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन नीचे किसी को भी कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा है इस तरह फिर आपने उनको फोर स्टार देने हैं जिनको बिल्कुल नॉर्मल लेवल के ऑर्डर आ रहे हैं उनको आपने थ्री स्टार दे देने हैं और थ्री स्टार से बिलो आपने कोई कीवर्ड रखना ही नहीं है ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर किसी को एक या दो ऑर्डर ही सिर्फ लगे हुए हैं उनको आपने क्रॉस कर देना है अपनी लिस्ट में से निकाल देना है तो इस तरह आप लोग प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपने कीवर्ड्स को ग्रेडिंग देंगे अब फिर आप लोगों ने जो इससे अगला स्टेप करना है अपने टाइटल में कीवर्ड्स डालने से पहले आप लोगों ने ग्रेडिंग कर ली है अब ग्रेडिंग के बाद आपने उनकी करनी है पेयरिंग पेयरिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पेयरिंग के अंदर आप लोग ये करते हैं कि जो आपने फाइव स्टार कीवर्ड अब आपके पास तीन चार इकट्ठे हो गए हैं अब आपने देखना है कि मिसाल के तौर पे आप लोगो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड गिग बना रहे हो इसमें आपने देखना है कि लोगो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आपके पास फाइव स्टार की कितने हैं आपने उन की को पेयर बना लेने हैं कि अच्छा इस की को मैं इस की के साथ यूज़ कर सकता हूँ ये दो की को यूज़ करके एक सेंसिबल सेंटेंस मैं बना सकता हूँ तो आपने इस तरह फाइव फाइव स्टार के कीवर्ड्स के या फाइव फोर स्टार मतलब एक आप फाइव स्टार का कीवर्ड उठा लेते हो एक आप फोर स्टार का कीवर्ड उठा लेते हो उनका पेयर बना लेते हो कि इनको मैं एक एक, एक के अंदर यूज करूंगा इस तरह आप पेयरिंग कर लेनी है ताकि आप लोग टाइटल भी एक सेंसिबल टाइटल बना सकें अच्छे कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए तो अगर आप लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं मिसाल के तौर पे आपने कीवर्ड सर्च अच्छे से की जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाया फिर उसके बाद आपने उनकी ग्रेडिंग और पेयरिंग भी अच्छे से कर ली है और थर्ड जो आपका मेजर स्टेप आता है वो आता है गिग क्रिएशन का गिग ऑप्टिमाइजेशन का गिग एस का उसके रिलेटेड मैंने इंतहाई डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है उसको भी मैं टैग कर देता हूँ उस वीडियो को आप लोगों ने लाजी देख लेना है इन स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे ना सिर्फ आपकी गिग रैंक करेगी बल्कि हंड्रेड एंड टेन परसेंट इनशाला आपको ऑर्डर भी आएंगे तो होपफुली गर्ज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़